Hello everyone, welcome to Econ. In this video, I am going to discuss a very important topic, that is production possibility curve. This is fourth part of microeconomics. I would like to suggest please go through all my videos which are very helpful for your upcoming exam. So students, Assam slate ke liye bahut jyada time nahi hai, sirf hardly 20 डेज ही बसा है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए. सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रेगुलर स्टडी कीजिए. रेगुलर स्टडी इज़ ए की ऑफ सक्सेस एंड उसके साथ आप लोग रिवीजन भी करते रहिए. सो हियर वी स्टार्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये तो आप लोगों को डिग्री में, मास्टर डिग्री में भी मिल गया होगा, फिर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. स्टूडेंट यहाँ पे भी गलत कर देती है उसकी शेप इसको समझने में. सो यहाँ पे हम लोग अच्छे से ये स्टडी करेंगे. सो टू प्रोड्यूस टू कमोडिटीज सच एज एक्स एंड वाई, द फार्म हैज़ टू डिसाइड द प्रोपोर्शन इन व्हिच टू प्रोड्यूस देम. इन अदर वर्ड्स, इट शोज ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज which can be produced by economy. So production possibility curve shows various combinations of two commodities. यहाँ पे क्या है, alternative combination और different combination of two commodity which can be produced by the economy. So यहाँ पे दो commodity होता है, दो commodity को assume क्या है, for example x and y को produce करना है and x and y को प्रोड्यूस जब करेंगे तो एक्स एंड वाई का क्या कॉम्बिनेशन वो लेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये चीज हम लोगों को दिखाते हैं. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटी व्हिच कैन बी प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमी. सो हम लोग एजम्पशन पढ़ लेते हैं. नंबर वन एजम्पशन, फिक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस. नंबर टू, resources are fully and efficiently used. Number three, when resources are transferred from one production to another, the production decreases. So यहाँ पे क्या है, अगर resource हम लोग एक production से दूसरे production में transfer करके, for example x x से हम लोगों ने resource transfer किया y तक, then क्या होगा, production decrease होगा. ठीक है, सो टेक्नोलॉजी इज फिक्स. लास्ट वन, सो स्टूडेंट यहाँ पे एक बोलना चाहती हूँ कि एजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशन और क्रिटिसिज्म को नहीं पढ़ते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ये मैंने भी एक बार गलती किया था, एजम्पशन और क्रिटिसिज्म को मैंने इग्नोर किया था, मगर ऐसा नहीं होता है. एजम्पशन इम्पोर्टेंट होता है और एजम्पशन अगर आपको समझ में आ गया तो थ्योरी का हाफ पार्ट आपका समझ में ऑलरेडी आ गया होगा, ऐसा होता है. ठीक है, तो शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सो हमेशा क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप यूजुअली ये कॉन्केव शेप होता है. ये कॉन्केव शेप क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्लोप. स्लोप मतलब इसका स्लोप क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का स्लोप और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. सो यहाँ पे थोड़ा एक बात और समझते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग मोर रिसोर्सेज इनटू कॉटन प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट ऑफ व्हिट गिवन अप. सो यहाँ पे दो कमोडिटी यहाँ पे दिया है, एक दिया है कॉटन एंड एक दिया है व्हिट. दोनों का प्रोडक्शन इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के जरिए यहाँ पे दिखा रही है. सो यहाँ पे देखिए 300, 400 और यहाँ पे दिया है 200 एंड 160. इसका मीनिंग क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मैं यहाँ पे समझाती हूँ. अगर कॉटन प्रोडक्शन अगर 100 टन इंक्रीज करना है, देन हम लोगों को क्या होगा, व्हीट 40 टन्स, 200 माइनस 60, 40 टन्स डिक्रीज करना पड़ेगा. ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी, वी मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस अनदर यूनिट ऑफ कमोडिटी, दैट इज व्हीट.
ठीक है। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, हम लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया, 40 हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया फॉर व्हीट, एंड हम लोगों ने कॉटन कितना इंक्रीज किया, 100 हम लोगों ने कॉटन इंक्रीज किया। सो ये 0 हम लोगों ने का, सो यहाँ पे क्या होगा, 4/10 होगा हम लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो ये आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, शेप्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी देखते हैं वेरियस शेप्स क्या क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए। अभी देखिए, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि कॉनकेव कब होता है, कॉनकेव कब होता है, जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब हम लोगों ने ये जो देखा 40/100, ये जो वैल्यू है वो, ये वैल्यू नेक्स्ट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके लिए भी इंक्रीज होगा, एडिशनल यूनिट के लिए भी अगर इंक्रीज होते रहेंगे देन इसका मीनिंग है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। एंड जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगा देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टेक्स द शेप ऑफ कॉनकेव, कॉनकेव शेप होगा, ये देखिए ठीक है। एंड कॉनकेव शेप जब होता है देन, ये भी याद रखने के लिए जरूरी होता है कि स्लोप उसका क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसका क्या होगा। सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कॉनकेव शेप ऑलवेज डिक्रीजिंग, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का उल्टा होता है। ये मैं बाद में थोड़ा अच्छे से समझाऊंगी। कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए क्या होता है, ये एक हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये वाला डायग्राम ये देखिए स्ट्रेट लाइन है। एंड डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी का जब कॉस्ट जब डिक्रीज होगा देन इसका क्या होगा, प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप हमेशा ऐसे कॉन्वेक्स शेप होता है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पर्पस के लिए। सो ये आप माइंड में बिठा लीजिए। इसमें से देखिए, हम लोगों ने यहाँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखा है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड जब होता है देन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज होता है, एंड इफ दिस कंडीशंस फुलफिल देन हम लोगों का क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव शेप में आएंगे। इसका मीनिंग है अगर कॉनकेव शेप का जो पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये कॉनकेव शेप, तो ये इसका मीनिंग क्या है, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हुआ है एंड एमआरटी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। सो स्टूडेंट, एक मैं आपको टिप्स देती हूँ, अगर आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है देन आपको डिक्रीजिंग में किया होगा वो एक्स्ट्रा से समझने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, यही आप याद रखिए और यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर एमआरटी डिक्रीज होता है देन डिक्रीजिंग में ऑटोमेटिकली एमआरटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड ये कॉनकेव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, तब समझ में आया। सो आप लोग ऐसे याद रखिए, सभी एकदम लिख लिख के याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, इसलिए इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद रखिए। अगर ये याद रखा, ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आप लोगों का कॉन्वेक्स शेप कब होगा, पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया, आ जाएंगे। सो नेक्स्ट देखिए, शिफ्टिंग रोटेशन ऑफ पीपीएफ डिपेंड्स ऑन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। इसका मीनिंग है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कर्व कभी कभी शिफ्ट होता है, शिफ्ट कहाँ होता है, कभी कभी यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट भी होता है एंड कभी 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 क्या होता है ऐसे लेफ्टवर्ड, इस यहाँ पे भी शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही होगा। सो ये कब होगा, सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेस का प्रोडक्टिव कैपेसिटी अगर इंक्रीज होता है और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होता है, देन ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है प्रोडक्शन पॉलिसी। यहाँ पे हम लोगों ने गुड्स एक्स पकड़ लिया है, गुड एक्स, और यहाँ पे हम लोगों ने गुड वाई पकड़ लिया,
और बोथ गुड के लिए, ये जो कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखा है ये बोथ गुड के लिए अप्लाई होगा। अगर फॉर गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई इन बोथ द केसेस प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस देन पीपीसी शिफ्ट टू राइटवर्ड होगा। एंड अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्रीज होता है, टेक्नोलॉजिकल डाउन होता है, देन ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और बात समझाती हूँ। देखिए ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसमें से जो एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे भी एक ड्रॉ किया, और इसको बोलते हैं अटेनेबल। अटेनेबल ये आप याद रखिए, और इसको बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अनअटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्यों बोलते हैं ये मैं समझाती हूँ। यहाँ पे फिर से हम लोगों ने गुड एक्स एंड गुड वाई पकड़ लिया है। यहाँ पे जो रिसोर्सेस है इस एरिया में, यहाँ पे ही हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जहाँ पे हो, मतलब इनसाइड द पीपीसी कर्व, इनसाइड द पीपीसी कर्व क्या होता है, रिसोर्सेस आर अवेलेबल एंड रिसोर्सेस आर यूटिलाइज हुआ है बट अंडर यूटिलाइजेशन में है, फिर भी ये कॉम्बिशन अटेनेबल है। मतलब इसका मीनिंग है, इन जनरल जो लैंग्वेज है इसका मीनिंग है, रिसोर्सेस हम लोगों के पास है एंड रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया है, मगर वो यूटिलाइजेशन फुली यूटिलाइज नहीं हुआ है, और ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पॉइंट हो, ये प्रोड्यूसर इसी पॉइंट को अचीव कर सकते हैं, और रिसोर्सेस को फुली यहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया गया है बट रिसोर्सेस अवेलेबल है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान से सुनिए। और यहाँ पे जो भी पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों ने पकड़ लिया ए, यहाँ पे भी एक पॉइंट पकड़ लिया बी, यहाँ पे भी एक पॉइंट पकड़ लिया सी, मगर ऑन द पीपीसी कर्व, ऑन द पीपीसी कर्व क्या होता है, रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज। यहाँ पे रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज होते हैं एंड यहाँ पे क्या होगा, इसी एरिया पे रिसोर्सेस आर अंडर यूटिलाइज बट रिसोर्सेस आर अवेलेबल। सो ये अटेनेबल में आ जाएंगे। और यहाँ पे जो मैंने देखा है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे रिसोर्स स्कार्सिटी है, रिसोर्स हमारे पास नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इसीलिए प्रोड्यूसर इसमें जो भी पॉइंट आएंगे इसको अचीव नहीं कर सकते प्रोड्यूसर। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा आप पॉज करके वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे रिसोर्स अटेनेबल है, यहाँ पे अनअटेनेबल है कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्स स्कार्सिटी है आउटसाइड द पीपीसी, एनी और यहाँ पे क्या है, इनसाइड द पीपीसी रिसोर्सेस आर अवेलेबल बट रिसोर्सेस आर अंडर यूटिलाइज एंड ऑन द पीपीसी कर्व रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज, ठीक है। अभी देखे हैं एमसीक्यू, ये जुलाई 2017 यूजीसी नेट में आए थे। क्वेश्चन नंबर वन, द शेप ऑफ पीपीसी इज, सो आप पहले ही मैंने समझा दिया था पीपीसी का शेप क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, इकोनॉमी में ऑपरेट आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इफ, अगर क्या होता है, अगर इकोनॉमी क्या, ये पीपीसी कर्व है, पीपीसी कर्व के बाहर अगर इकोनॉमी ऑपरेट करते हैं, ये अनअटेनेबल रीजन में अगर अटेनेबल करते हैं देन क्यों अटेनेबल करेंगे। यहाँ पे देखिए, इट इज ट्रेडिंग विथ विद इन द कंट्री, इट इज ट्रेडिंग आउटसाइड द कंट्री, सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, दैट इज इट इज ट्रेडिंग विथ आउटसाइड, ट्रेडिंग आउटसाइड द कंट्री। इसका मीनिंग है, यहाँ पे जो मैंने बोला रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, अनअटेनेबल जो रीजन है, ये अनअटेनेबल जो रीजन है, अनअटेनेबल में क्या होता है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता है, तो इसको अचीव करने के लिए क्या होगा, कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना ही होगा, इसीलिए क्या होगा, इट इज ट्रेडिंग विथ ट्रेडिंग आउटसाइड द कंट्री व्हेन इकोनॉमी ऑपरेट आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थ्री, एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ में कॉज बाय, कभी कभी क्वेश्चन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रॉन्टियर भी देते हैं, कभी कभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार भी देते हैं, देने वो सेम ही है। और एन आउटवर्ड आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रॉन्टियर में कॉज बाय। सो जो ये मैंने बोला आउटवर्ड शिफ्ट का मीनिंग क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट, सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ टर्म अलग कर दिया है। राइटवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड मीन्स यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ में कॉज बाय, ये जो आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है ये किसके लिए हो सकता है? यहाँ पे ऑप्शन है, बेटर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, इंक्रीज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ द एबव। सो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, ऐसे यहाँ पे शिफ्ट होगा, देन क्या होगा? प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होता है रिसोर्सेस का, एंड क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, ये दोनों कॉज होता है। मगर यहाँ पे क्या दिया है? बेटर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय। सो आप लोग देखिए, अगर एम्प्लॉय को बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी देंगे, इसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगा कि नहीं एम्प्लॉयज का? सो बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज इंक्रीजेस। सो ऑप्शन वन इज ए करेक्ट आंसर। देखा आप लोग, ऐसे मतलब ऑप्शंस को ढूंढना होगा। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यहाँ पे ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड होता है, मगर ये रीजन नहीं होता है आउटवर्ड शिफ्ट होने का, ठीक है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने से भी नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट को क्या ट्रेनिंग देना होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द वो ये तो नहीं है। सो ऑप्शन वन इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी सीन बाय। सो अभी बोले इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, मूवमेंट अलोंग द पीपीसी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा? जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सिंपल है। इसका मीनिंग क्या है? इसमें क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है, अभी अभी मैंने बोला ट्रेनिंग फैसिलिटी होता है एम्प्लॉयज का। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा? जब राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी होगा तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। सो ऑप्शन टू इज अ राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इन साइड द पीपीसी इज कॉल्ड, अभी अभी मैंने आउटसाइड द पीपीसी बोला है, अभी मैंने पूछा इनसाइड द पीपीसी क्या सिचुएशन हो सकता है, क्या किसको बोलते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन वन एलोकेशन इनएफिशिएंसी, ऑप्शन टू एक्स इनएफिशिएंसी, ऑप्शन थ्री कंज्यूमर इनएफिशिएंसी, फोर प्रोडक्शन इनएफिशिएंट। सो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज इकॉन। लाइक कॉमेंट शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। यू कैन मेल अस econ10021@gmail.com फॉर एनी क्वेरीज। एंड इफ यू वॉन्ट माई PDF देन प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।